क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और डायरेक्ट जो है फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। इसका मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो वायर है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसका जो लेंथ है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, इधर भी आ रहा होगा बाहर और अंदर भी जा रहा होगा। एक सिलिंड्रिकल वायर समझ सकते हैं आप, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है। तो इसका रेडियस दिया गया है ए, है ना। अब आगे कहा गया, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस ए बाय थ्री एंड डिस्टेंस टू ए रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। मतलब ये जो वायर का एक्सिस है, सेंटर दिखने में यहाँ पर से सेंटर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये जो सिलिंड्रिकल वायर है उसका यहाँ से एक्सिस पास करता है। तो एक्सिस से ए बाई थ्री डिस्टेंस पर और यहाँ से टू ए डिस्टेंस पर दो डिफरेंट पॉइंट है, है ना। सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक। तो इस पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ये वायर का क्रॉस सेक्शन है और इसका रेडियस हम लोग आर लेते हैं ना, तो यहाँ से सेंटर से या एक्सिस से आर डिस्टेंस पर इस वायर के अंदर अगर किसी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वायर। आर जो है इसका रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो इसके एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, ठीक। जबकि बाहर किसी पॉइंट पर हम लोग फील्ड निकालते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि आर। ये दो फॉर्मूले हैं जो हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो पॉइंट ए पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई इंटू, जैसे यहाँ पर आर था, यहाँ पर ए बाई थ्री है, ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू पाई रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस जो है वो ए है तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आएगा कुल मिलाकर के म्यू नॉट आई बाई सिक्स पाई ए। उसी तरह से पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, मतलब कि इस वायर के बाहर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर, जो है वो होता है एक्सिस उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कि यहाँ पर 2a के इक्वल है, तो यहाँ पर 2a रख देंगे। तो ये आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a। तो ये जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया है इनका रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। तो ये देखेंगे, ये है म्यू नॉट आई बाई 6 पाई a डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। तो म्यू नॉट आई बाई पाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4 बाई 6 यानी कि 2 बाई 3, है ना। तो 2 बाई 3 वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये 2 बाई 3 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया।